चतुर्भुज की रचना तभी संभव है जब पांच चीजें हों। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो तीनों कोण हैं 180 से। हेलो दोस्तों, हमारे सवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चतुर्भुज की परिभाषा तथा चतुर्भुज की रचना कब संभव है इसके बारे में हम डिटेल बताऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं चतुर्भुज। तो देखिए, चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। तो अब देखिए इसमें क्या-क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें चार भुजाएं और चार कोण, चार शेष और दो विकर्ण होते हैं। ठीक, ये होते हैं चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज की रचना कब संभव है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे चार कोण है और चार भुजाएं और दो विकर्ण हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज की रचना तभी संभव है जब पांच चीजें हों। पहला, यदि चार भुजाएं एक कोण ज्ञात हों। दूसरा है, चार भुजाएं एक विकर्ण ज्ञात हों। तीसरा है, तीन भुजाएं दो कोण ज्ञात हों, या दो भुजाएं तीन कोण ज्ञात हों। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो तीनों कोण हैं 180 से ज्यादा होना चाहिए, जो तीनों कोणों का योग हो 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, तभी ये आपका चतुर्भुज संभव है। ठीक, ये तो हो गए चतुर्भुज की रचना परिभाषा। अब ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज का जैसे प्रकार भी होता है तो सुन लीजिएगा कौन कौन होते हैं। तो एक है समांतर चतुर्भुज, दूसरा जान ही रहे होंगे कि आयतीय चतुर्भुज है, वर्ग, समलंब, ये क्या है, सब चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।